पतंगबाजी ने कई घर उजाड़ दिए, बसंत की इजाजत देना खतरनाक होगा। हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट पर कानूनी एतराजात उठा दिए गए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर को तलब कर लिया। इसी पे बात करेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर, इस अहम मामले के हवाले से बताएं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मुकामी शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें काइट फ्लाइंग एक्ट 2009 की दफात को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने निशानदेही की कि कानून में पतंगबाजी की इजाजत देने के लिए कोई मयार मुकर्रर नहीं किया गया। काइट फ्लाइंग कानून में सिकम के बाइस पतंगबाजी से हलाकतें हुई। दरख्वास्त गुजार ने खदशा जाहिर किया कि इस कानून के तहत बसंत की इजाजत देना इंसानी जानों के लिए खतरा है। हर साल हम देखते हैं कि काइट फ्लाइंग एक्टिविटी के नतीजे में बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं वो डोर फिरने से वो जाँ बहक हो जाते हैं। लिहाजा हमने कहा कि ये पंजाब हुकूमत के इस अमल को कालेअदम करार दिया जाए। वकील ने नुक्ता उठाया कि शहरियों की जानों माल की हिफाजत करना रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। पतंगबाजी की इजाजत देना बुनियादी हकूक के मुनाफी है, लिहाजा कानून के तहत पतंगबाजी की इजाजत देने के इख्तियार को कालेअदम करार दिया जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 15 जनवरी को जवाब तलब कर लिया, जबकि जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मजीद समाअत के लिए दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भिजवा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़।